हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम केस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टेटमेंट के बारे में कि केस स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने प्रोग्रामिंग या अपने स्क्रिप्ट को और मॉडिफाइड और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को इजी वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगा जिसमें मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए, मतलब स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक फ़ाइल के अंदर, और उस फाइल को फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या मीनिंग है, क्या सिंटेक्स है, क्या स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है केस स्टेटमेंट को समझने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ को सिंपल वे में समझने के लिए मैंने एक सिनेरियो बनाया है। आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि अपन क्या करेंगे, एक डेट पिक करेंगे। ठीक है, उस डेट के अंदर डेट का कोई भी वीकडे हो सकता है, राइट। जैसे अगर आज के अपन डेट पिक करें तो उसका डे क्या हो गया, मंडे हो गया। तो या इन शॉर्ट अगर आप सिंपल टर्म्स में देखो तो आपके पास कोई भी डेट है उसके डे के अकॉर्डिंग, अगर सैटरडे है तो कुछ और मैसेज प्रिंट हो, संडे है तो कुछ और मैसेज प्रिंट हो, इस तरह से आपको डे के अकॉर्डिंग कोई वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, केस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो केस में जो भी कंडीशन आपके ट्रू होगी वो आउटपुट वो रन कर देगा, वो लाइन ऑफ स्क्रिप्ट रन कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें समझने के लिए। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले वर्कलन के एंटर। इसका थोड़ा सा थियोरेटिकल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका सिंटेक्स थोड़ा ऐसा है कि हो सकता है आपको एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, बट है नहीं ऐसा, आप इजीली इसको कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। तो आप इस सेशन को देखिए, एक दो बार इस चीज़ को अगर परफॉर्म कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो हमारे पास एक डायरेक्टरी है टेक्सचर विद नेम से, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ फाइव से। फिर हमारे पास एक फाइल है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिबल है, अगर एग्जीक्यूटिबल के बारे में नहीं पता तो आप पहले सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे सी एच मोड कमांड से हम इस कमांड को फाइल को एग्जीक्यूटिबल बना सकते हैं सी एच मोड से। अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं केस स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन टू लेके ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले मल्टी लाइन कमेंट रखा हुआ है, मल्टी लाइन कमेंट में हमारे पास है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर विद सेशन क्या है, केस इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद से हमारा कोड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये देखोगे आप पूरी स्क्रिप्ट, ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसको एक एक बार समझते हैं लाइन बाय लाइन, बहुत इजी है, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, डे इक्वल डॉलर डेट प्लस परसेंटाइल ए। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि परसेंटाइल ए क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे सेशन सिक्वेंस से फॉलो करो, क्योंकि ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटाइल ए क्या रिटर्न करता है, क्यों हम डॉलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पैरेंथेसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ कि देखो डे वेरिएबल में क्या करेगा, ये डेट जो भी करंट डेट होगी उसका डे कैप्चर करके इसमें स्टोर कर देगा। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी करंट डेट होगी उसका डे कैप्चर करेगा और इस डे वेरिएबल में स्टोर कर देगा, सिंपल। ठीक है, अब डे में हमने स्टोर कर लिया, सपोज़ आज की डेट के अकॉर्डिंग अपने पास आ रहा है मंडे, तो यहाँ पे मंडे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम केस स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं, सिंटेक्स आपको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना है, जो भी अपन यहाँ लिख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंटेक्स यही रखना चाहिए। तो यहाँ हम केस के साथ चेक कर रहे हैं कि डॉलर डे, जो भी डॉलर डे में वैल्यू है, इन इन मतलब अगर मंडे है, एम ओ एन डी ए वाई मंडे लिखा हुआ है, मंडे है तो हमारे को यहाँ पे प्रिंट करना है मैसेज स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक। ठीक है, और डबल को ये डबल सेमी कॉलन से इसको एंड करेंगे कंडीशन को, मतलब पहली जो केस कंडीशन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो पहला हमने मैसेज प्रिंट कर दिया स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक। फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो है ट्यूसडे। ट्यूसडे में क्या होगा, ट्यूसडे में हम चेक कर रहे हैं कि अगर, अब देखो यहाँ पे सेकंड वैल्यू चेक हो रही है, केस डॉलर डे इन, और यहाँ पे सेकंड में है ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे है तो मैसेज प्रिंट होगा सेकंड डे ऑफ द वर्क वीक। ठीक है, उसी तरह से अब आप देख रहे हो ना, डे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे केस डे इन वेंसडे, अगर वेंसडे है तो मैसेज प्रिंट होगा, एक बार मैं बैक करता हूँ, वेंसडे, हाँ वेंसडे है तो मैसेज प्रिंट होगा मिडल ऑफ द वर्क वीक। ठीक है, उसी तरह से अगर थर्सडे है तो मैसेज आएगा ऑलमोस्ट देयर, फ्राइडे है तो लास्ट डे ऑफ द वर्क वीक, और इसके अलावा सैटरडे संडे है तो मैसेज आ जाएगा इट्स द वीकेंड।
ठीक है, तो सैटरडे और संडे के लिए हमने पाइप सिंबल यूज़ किया कि दोनों के लिए कौन से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि दोनों के लिए कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है, इट्स अ वीक डे। और फिर लास्ट में एस्ट्रिक मीनिंग हो गया कि अगर ऊपर जो भी कंडीशन में स्पेसिफाई की है उसके अलावा कुछ भी आता है तो यहाँ पर लिख देंगे अननोन डे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम करंट डेट से चेक कर रहे हैं, करंट डेट में आपको हमेशा डेज करेक्ट ही मिलेगा। बट ऐसा भी हो सकता है आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हो जिसमें वैल्यू यूज़र प्रोवाइड कर रहा है और यूज़र ने कुछ गलत वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में आपके पास अगर सारी कंडीशन फेल होती है तो मैसेज आएगा अननोन डे और यहाँ पे ESAC ये क्या कर देगा, इस केस स्टेटमेंट को क्लोज कर देगा। सिंपल है बहुत। हमने क्या किया, सबसे पहले एक डे वेरिएबल में करंट डेट का जो भी डे है उसको स्टोर कर लिया, फिर केस से चेक किया कि अगर डे है मंडे तो हम प्रिंट कर दो स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक, फिर कर दो सेकंड डे ऑफ वर्क वीक, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि आज के लिए ये क्या रन कर, पॉसिबल वैल्यू क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सेव और एग्जिट, पाथ मैंने कॉपी कर लिया, F3 फॉर सेव, F3 फॉर एग्जिट, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे QSH और एंटर। QSH के बाद में आप जैसे इस स्क्रिप्ट को रखोगे यहाँ पे, स्क्रिप्ट के पाथ को, और एंटर करोगे तो आपको दिखेगा स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक मैसेज आया। क्यों? क्योंकि आज का जो डे है वो है मंडे, तो मंडे में स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं थियोरेटिकली भी बता देता हूँ कि क्या क्या इसको, फिर आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 ऑप्शन, कोड रखेंगे एक तरफ और एक तरफ मेन टेक्स्ट रखेंगे, थोड़ा इसको एनलार्ज करते हैं। हाँ, तो देखो जो अभी अपन ने डिस्कस किया वही पॉइंटर्स हैं बस। केस डे प्लस ए, दिस लाइन गेट्स द करंट डे ऑफ द वीक एंड असाइन इट टू द वेरिएबल डे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, करंट डे निकालेगा वीक का और उसको असाइन कर देगा डे वेरिएबल में। फिर आता है केस, दिस स्टार्ट द केस स्टेटमेंट एंड टेस्ट द वैल्यू ऑफ डे। ठीक है, तो केस वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन हमने लिखी हुई है, ये क्या करता है, केस इवेल्युएट करता है उस कंडीशन के, जो भी वैल्यू आपने डाली है उसको इवेल्युएट करेगा और फिर वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। अगर मंडे हुआ, इफ द डे इज मंडे इट प्रिंट्स स्टार्ट ऑफ द वीक, इफ द डे इफ डे इज ट्यूजडे इट प्रिंट्स सेकंड डे ऑफ द वर्क वीक, इफ डे इज वेंसडे इट प्रिंट्स द मिडल ऑफ द वर्क वीक, इफ डे इज थर्सडे इट प्रिंट्स द ऑलमोस्ट देयर, इफ डे इज फ्राइडे इट प्रिंट्स द लास्ट डे ऑफ द वर्क वीक। इन केस ऑफ सैटरडे संडे, सैटरडे संडे के केस में क्या करेगा, इफ डे इज सैटरडे और संडे इट प्रिंट्स द इट्स अ वीकेंड। द एस्ट्रिक पैटर्न इज डिफॉल्ट कैच ऑल दैट मैचेज एनीथिंग नॉट प्रीवियसली मैच्ड प्रिंटिंग अननोन डे एंड दिस ESAC एंड्स द केस स्टेटमेंट। तो आई थिंक अब आपको पूरा इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या सिंटेक्स है। ऑल्दो हम ये प्रैक्टिकल जब हम डिस्कस कर रहे थे स्क्रिप्ट में, तब भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, बट एक मैंने सिंपल वे में इसको लिख के रखा जिससे आपको आई थिंक और थोड़ा इजीली समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल क्या स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है। अभी हम डे के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट आप अपने प्रोजेक्ट में आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होंगे, सिनेरियोज होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लियर। अब मैं फटाफट से अगर आपको दिखाऊं कि कैसे इसको इस शेल स्क्रिप्ट को हम अगर कभी CL से रन करना चाहें तो कैसे होगा। तो वर्क MVR PDM रन QSH एक प्रोग्राम है, रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल चाहिए तो DCL लिख के F4 लेंगे, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज लेंथ आ जाएगी, CAGVAL लिख के F4 करेंगे, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगी, पाथ आ जाएगा स्क्रिप्ट का। और फिर STRQSH क्या करेगा, STRQSH हमारे उस स्क्रिप्ट को रन कर देगा, तो जो भी आउटपुट आएगा वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। अभी इस स्क्रिप्ट में क्या, हम कोई भी यूज़र इनपुट नहीं ले रहे, इससे पहले जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा था वहाँ यूज़र इनपुट था, है ना, तो वो स्क्रिप्ट CL से प्रॉपर रन नहीं हुई थी, है ना, मुझे वो हम कभी डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको रन करके देखते हैं, इसमें कोई यूज़र इनपुट की नीड नहीं है, तो मैसेज आ गया आपके पास स्टार्ट ऑफ द वीक। इसको आपको नहीं दिखना, ये पुराना है पूरा, यहाँ से आपका नया जो डेटा है वही है। तो मैसेज क्या आ गया, स्टार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे के अकॉर्डिंग इसने मैसेज प्रिंट कर दिया स्टार्ट ऑफ द वीक। तो ओवरऑल अब अगर हम डिस्कस करें कि आज के सेशन में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया, तो वो ये है कि आज हमने देखा कि कैसे कैसे केस स्टेटमेंट को यूज़ करके हम अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अभी तो बस हमने टेक्स्ट प्रिंट किया, बट आप चाहो तो कुछ और भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है हमें टेक्स्ट ही प्रिंट करना है, उसकी जगह कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने केस स्टेटमेंट को बनाया, क्या सिंटेक्स था,
और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये टेक्स्ट भी थोड़ा सा नोट करके रखें, जिससे आपको इजीली सिंटेक्स क्लियर होता है। बाकी जो भी स्ट्रक्चर और सिंटेक्स हम फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ रखना है, जहाँ डबल कॉलन है वहाँ डबल कॉलन आना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि शेल स्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव है सारा, तो स्मॉल जो वर्ड है वो स्मॉल में ही लिखना है आपको, स्पेशली कमांड्स वगैरह, है ना, अदरवाइज वो एरर देगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।